बनारस। इट्स नॉट ओनली अ नेम, इट्स अ फील। बनारस केवल एक शहर का नाम नहीं, बनारस एक एहसास है। ये नाम सुनते ही सबसे पहले याद आता है प्रेम। दो प्रेमी जिनमें संसार समाया हुआ है, और बनारस के वासी तो उनसे परिचित ही होंगे, भगवान भोलेनाथ और माता सती। भोलेनाथ ने यहीं पर माता सती के लिए प्रतीक्षा की थी, और इसके साथ ही याद आता है यहाँ के लोग, यहाँ के घाट, यहाँ की कचौड़ी और यहाँ के पान। ये सभी बड़े ही मजेदार हैं। इस ब्लॉग में ना हम किसी मंदिर, किसी घाट को कवर नहीं करेंगे। इस ब्लॉग में हम कवर करेंगे बनारस की सड़कों को, बनारस की कचौड़ी को, बनारस के पान को। तो आइए बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और वीडियो को कम से कम दो या तीन लोगों को अभी शेयर कर देना, जिससे कि और भी लोगों को बनारस की खूबसूरती के बारे में, बनारस के लोगों के बारे में पता चले। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ नॉर्थ ईस्ट सीरीज। अभी हम हैं बनारस में, जो भाई घर पे रुके थे वहाँ से तो निकल आए हैं। बनारस की सुबह की शुरुआत करते हैं बनारस के पान के साथ। मस्ता पान बना हुआ है, फिर भी उतना अच्छा नहीं है जितना पिछली बार खाया था। चलो निकलते हैं आगे, देखते हैं। अभी बनारस सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं। बनारस में हालांकि दर्शन तो नहीं करेंगे, लेकिन बनारस होते हुए निकलना है अपन को। और यहाँ पर चल रही है कचौड़ी, देखो कचौड़ी सिक रही है, कचौड़ी खाते हैं। बनारस आए, बनारस की कचौड़ी तो खाएंगे यार। आप ये भ्रमण कर करके वहाँ पर ज्ञापन कुछ सौंपेंगे कुछ की क्या? नहीं नहीं, मैं बहुत ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। वो ये बात, यूट्यूब पे मेरा चैनल है सभी के साथ नाम। अच्छा अच्छा, उसी के लिए शूट वगैरह करता हूँ। भैया ही जा रहे हैं अभी मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए। कचौड़ी का अभी स्टार्टिंग है दुकान, अभी सुबह सुबह खुली है, तो सबसे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाएगा, उसके बाद हम लोगों को खाने को मिलेगा।
ये सामने देखिए भगवान भोलेनाथ का कितना सुंदर सा चित्र बना हुआ है। काशी में है और काशी में तो भगवान भोलेनाथ हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह हर कोने में। चुकी है बनारस की कचौड़ी। आप लोग बनारस आए हो या बनारस से हो तो आपने जरूर खाई होगी। अब मैं भी खाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, और नहीं खाई है तो बनारस आइए यार, घूमिए यार, दर्शन कीजिए यहाँ भगवान की और कचौड़ी खाइए। तो अभी नॉर्थ ईस्ट की साइड जा रहे हैं और अभी आगे पड़ेगा चंदौली। अभी जस्ट क्रॉस किया है मुगलसराय और बनारस। बनारस के व्यू आपको दिखाए, गंगा मैया के आपको व्यू दिखाए, नमो घाट के व्यू दिखाए। कैसा लगा बनारस कमेंट में ज़रूर बताना। और अब चलते हैं यार, बहुत ट्रैफिक था यार, इसलिए मुगलसराय में सूट नहीं किया। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था भाई, हद से ज़्यादा। यहाँ पर भी देखिए कितना ज़्यादा है। अभी ये यहाँ के नज़ारे देखिए आप, एक ताल है और यहाँ पर देखिए ट्रेन, रेलवे स्टेशन ही है। तो बस आगे चल रहे हैं चंदौली के लिए। बने रहिए ब्लॉग में, एंजॉय कीजिए। भाई मुगल सराय की इतनी बेकार रोड, इतनी बेकार रोड, इतना हाई ट्रैफिक यार, उसी को पार करके आए हैं, सी क्रॉस करके। और ये एक अखाड़ा है, पहलवान अखाड़ा, और हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है।
यहाँ पे थोड़े लोग प्रैक्टिस करते होंगे, वही है। यहाँ पर ही कुछ बच्चे हैं मछलियाँ पकड़ने में लगे हैं, बस यहीं पर बैठेंगे, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, अपना वीडियो वगैरह कुछ एडिट वगैरह करूँगा। और बढ़िया चिल्ड, बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। चल इसमें ना अभी कछुआ था, ये कुआ है, बस यहीं पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। तो अभी चंदौली को क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे इस गांव का नाम, इस जगह का नाम है, इसका नाम क्या है, इस जगह का नाम सैयद राजा। सैयद राजा, तो चंदौली क्रॉस करके सैयद राजा में एक मंदिर है, भीम बाबा मंदिर। तो यहाँ पर स्टे कर रहे हैं आज, अभी बात कर ली है लेकिन जो मैन पुजारी है उनसे बात नहीं हुई है, साइड में बात हो गई है, दुकान है, पुजारी जी आते हैं तो उनसे बात करेंगे, उससे पहले आपको दर्शन कराते हैं। जय
Thank you.